welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky ka weekly vlog. दिल्ली में भाई सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तभी मैं ऐसे टोपी पहन के बैठी हूँ. इट इज़ 8:30 राइट नाउ एंड तभी मैंने पहना हुआ है. बाहर मेरी खिड़की में यहाँ ओस जमी हुई है, जस्ट लुक एट दैट, ओ माई गॉड. बट धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, दैट इज़ वॉट आई लव अबाउट दिल्ली, लाइक ठंड की ठंड. एंड जब धूप पड़ती है तो इतनी मीठी धूप पड़ती है कि पूरे ऐसे बर्गर के बन की तरह ऐसे टोस्ट हो जाते हैं. ऑल्सो नॉट क्रेजी अबाउट माई लुक राइट नाउ, आई लुक लाइक अ क्यूट ग्रैनी टूडे. बट मैं फटाफट से बता देती हूँ आज हम क्या करने वाले हैं. सो सबसे पहले नाश्ते में बना हुआ है काले चने के साथ रोटी. एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज मैंने ना डाइट से 15-20 दिन का ब्रेक लिया हुआ है, बिकॉज अभी हॉलीडे सीजन है एंड आई नो के मुझे थोड़ा प्लम केक्स और ऐसे स्वीट डिश वगैरह खाने का मन करेगा. न्यू ईयर होगा, इधर उधर आना जाना होगा, पार्टीज होगी, सो आई नो के मैं थोड़ा ओवर ईट कर लूंगी एंड दैट इज वाई आई विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी अगेन. एंड क्योंकि डाइट के टाइम पे मुझे हमेशा उबले हुए काले चने अलाउड थे, लाइक काला चना चाट, तो मैं ये सब्जी नहीं खा पाती थी जो कि कंजको वगैरह में बनती है ना. आई तो रियली लव इट एंड आज वो बनाया, सो मेरा ब्रेकफास्ट इज सॉर्टेड. आफ्टर दैट आई टू टेक अ बाथ एंड क्विकली गेट रेडी फॉर माई थेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट. आज मैं अपनी थेरेपिस्ट से आफ्टर 2 to 3 years ऑफ टेकिंग थेरेपी पहली बार मिलने जा रही हूँ. आई डोंट थिंक मैं उनको अपने व्लॉग में इंक्लूड करूंगी, बट इट इज अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज मैं हमेशा ऑनलाइन थेरेपी, मैंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट की थी थेरेपी लेनी एंड निशान का आज वहीं पे काम है, सो ही विल बी ड्रॉपिंग मी देयर एंड पिकिंग मी अप. एंड उसके बाद ही हैज आस्क्ड मी वेरी स्वीटली 2-3 days अगो कि इफ आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डिनर डेट विद हिम. बहुत ही सही क्रिसमस का माहौल हुआ पड़ा है, लाइक दिल्ली में बहुत अच्छे से सजावटें वगैरह होती है. आई फील लाइक हर किसी के स्टेट में होती होगी, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट. अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आई फील लाइक जो बचपन में नहीं कर पाया ना वो अभी करेंगे, तो इसलिए मेरे को ऐसे सजावट वगैरह देखने का मन है किसी कैफे में. एंड वील हैव अ नाइस डिनर. आज का यही प्लान है. इट्स नॉट अ वेरी इवेंटफुल और प्रोडक्टिव डे, इट्स नॉट अ वर्क डे, इट्स लाइक मोर ऑफ अ सेल्फ केयर सॉर्ट ऑफ डे. बट लेट मी शो यू गाइज माई आउटफिट. मैंने आज बहुत ही क्यूट सा आउटफिट, विंटर लेयरिंग आउटफिट सेलेक्ट किया अपने लिए एंड मेरे को फटाफट ब्रेकफास्ट करना है. आज मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत सुस्ती हो रही है. मतलब मेरा मन कर रहा था मैं रजाई के अंदर ही बैठी रहूँ, बट अगेन दुनिया में आया तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए मैं उठ गई. बट फटाफट ब्रेकफास्ट करके मिलती हूँ. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट, दिस इज माई आउटफिट एंड मेरे घर का यस ऑयल हीटर निकल गया. बहुत ज्यादा ठंड है यू गाइस. आई डोंट थिंक मुंबई गोवा वाले लोग समझ पाएंगे कि ये इस ऑयल हीटर की क्या वैल्यू है लाइफ में, बट लेट मी शो यू गाइस माई आउटफिट. दिस इज अ वेरी सॉफ्ट वाले वूल का ना हाई नेक स्वेटर ड्रेस, तो ये नीचे तक जाती है एंड ये वाइन कलर में है, सो आई फील लाइक क्रिसमस थीम के साथ अच्छा रहेगा, मेरे नेल्स के साथ भी मैच करेगा. इसके ऊपर मैंने लेयर किया है ये लॉन्ग ओवर कोट और ट्रेंच सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि यूनिक्लो का है. मैंने यूनिक्लो की सेल पे दोनों चीजें ली थी. एक्सेसरीज में आई एम गोना वेयर दिस क्यूट क्रिसेंट मून सॉर्ट ऑफ इयररिंग्स एंड दिस छोटू सा डेंटी नेक पीस एंड दिस नी हाई बूट्स जो कि मैंने आप लोगों को अपनी विंटर एसेंशियल वीडियो में बताए थे. एंड ये बिल्कुल ऐसे क्लीन है, अभी नए नए हैं इसलिए मैं बेड के ऊपर रख पा रही हूँ, इनको मैंने एक भी बार नहीं पहना है. एंड देन आई हैव दिस राइट हेयर विच इज अ टाइट, ये फ्लीस लाइनिंग वाली ब्लैक कलर की टाइट है जो कि दिखेगी नहीं बट मेरे को अंदर से वार्म रखेगी. सो दैट इज माई प्लान फॉर द आउटफिट. लेट मी जस्ट कीप दिस बिलो बिकॉज मेरे को इसको देख के एंग्जाइटी हो रही है. एंड सिम्बा देख रहे क्या हो रहा है यहाँ पे आज. आई एम गोना गो इनटू द किचन, अपना ब्रेकफास्ट लेके खाऊंगी, कॉफी बनाऊंगी एंड उसके बाद आई विल सी यू गाइस आफ्टर आई टेक अ बाथ. I just took a bath and blow dried my hair. Actually not me, my mom helped me because वो गोवा से चोटे लगने के बाद ना आई एम स्टिल अनेबल टू मूव माई आर्म्स बिल्कुल ऊपर तक, लाइक इतना कर सकती हूँ बट कॉन्स्टेंटली बाल ब्लो ड्राई करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी तक. तो माई मॉम वेरी स्वीटली हेल्प मी आउट एंड फटाफट से मुझे तैयार कर दिया, लाइक ओल्ड टाइम्स जब वो मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक रेडी करती थी. माई फेवरेट हॉलीडे सीजन इज हेयर एंड आई एम सो हैप्पी आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द डाइट. बट अपने डाइट को तोड़ना और थोड़ा अनहेल्दी खाना, अटेंडिंग पार्टी, स्लीप ओवर्स, ये सब जो लाइफ स्टाइल में एकदम से शिफ्ट होता ना, इट रियली इफेक्ट्स योर स्किन एंड प्लस दिल्ली का पोल्यूशन कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है मुझे. बट आई हैव द परफेक्ट रिकमेंडेशन टू शो यू गाइस विच विल हेल्प अस शाइन ब्राइट ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन. दिस इज प्लम्स 10% नाइसिनामाइड सीरम विद राइस वाटर. दिस मैजिकल पोर्शन इज लोडेड विद गुडीज लाइक 10% नाइसिनामाइड जो कि स्किन को ब्राइटन करता है एंड ब्लेमिशेस फेड करता है. इट ऑल्सो हैज राइस वाटर एंड फर्मेंट एक्सट्रैक्ट जो कि अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा एंड स्मूदन करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हैज लिकोरिस जो
कि इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को सूद करने में बहुत काम आता है। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट इसका टेक्सचर बहुत ही मिल्की है, जस्ट मेल्ट्स राइट इन टू माई स्किन एंड यूजिंग इट ओवर टाइम डेफिनेटली मेड माई स्किन ग्लो एंड नाउ देर इज नो गोइंग बैक फॉर मी। इसको अप्लाई करते ही मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड सपल फील होने लगी है। एट द सेम टाइम यू गाइज कैन सी द अमेजिंग ग्लो इट हैज। सो यू गाइज मस्ट गिव इट अ ट्राई। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट लिंक दे दूंगी, डू क्लिक इट एंड चेक इट आउट। आई एम जस्ट गोना डू सम बेसिक मेकअप, नो मेकअप लुक। आई विल सी यू गाइज बिफोर और आफ्टर माई थेरेपी सेशन। आई एम नॉट रियली श्योर बट आई विल डेफिनेटली सी यू। I got ready. Hopefully you guys saw the look. I'm a little late for the session. मैं कभी अपने session के लिए late नहीं हुई. But finally. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. Nice song. Long drive जाएंगे कहीं रुकेंगे ना. Therapy session करेंगे. Much later. I'm back after the session and अब हम जा रहे हैं बसंत विहार से बसंत कुंज DLF Emporio. And I think गोवा तो मैंने व्लॉग किया नहीं, बट जितने भी लोग जानते हैं उनको पता है हम काफी चोटिल हो गए थे, तो मैं तो ठीक हो चुकी हूँ। ओह सांता क्लॉस नहीं चाहिए भैया, थैंक यू। सो मेरी तो चोटें ठीक हो गई हैं, बट मिस्टर ईशान राइट हियर अभी तक उभर रहे हैं उससे। उभर गए, इसके यहाँ पे हेयरलाइन फ्रैक्चर है and he's still driving and show me your arm. यहाँ पे guys इतना बड़ा गड्ढा हो गया था तो अब तो इसका मास सारा आ गया यहाँ पे and पीछे पूरी बाजू, ये हम दोनों का सेम ही चोट लगी थी। इसकी आँख ऐसे फूल गई थी, मैंने फोटो डाली थी, but he has a bloody eye. उधर देख, ये देखो, एंड कट वगैरह यहाँ का हील हो गया है। एक्चुअली आंख में चोट नहीं लगी थी, यहाँ कट आया था। जैसे इसने मेरे को बताया था बॉक्सर्स वगैरह जब होते हैं ना तो उनको यहाँ पे लगता था उनकी आंख सूज जाती है अगर यहाँ पे ब्लीडिंग हो तो चीक बोन पे, तो यही सेम ईशान के साथ हुआ था। एंड ही वॉज जस्ट प्रमोटिंग एनिमल मूवी ऑल थ्रू द पीरियड जब वो रिलीज हो रही थी एंड गोवा टाइम पे, बट नाउ वी आर बोथ फाइन। ही इज ड्राइविंग एंड वी आर लिविंग आवर नॉर्मल लाइफ। The holiday season is upon us because यहाँ पे हम कॉफ़ी पीने का सोच रहे थे। यहाँ की कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैं बर्थडे के टाइम पे आई थी, बट गुची के बाहर एक्चुअली वेटिंग है, यहाँ पे ऐसे लाइन लगी हुई है विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। टाइम लगता है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं डियोर के आई थी वहाँ भी लाइन लगी हुई थी। सो आई डोंट हैव एन अपॉइंटमेंट हेयर बट आई रियली वॉन्ट चेक आउट सम स्टफ। वी आर ऑर्डरिंग दिस ऑरेंज इन्फ्यूज मोका। मैंने कभी भी ऐसी मोका या हॉट चॉकलेट नहीं पिया जिसमें ऑरेंज जेस्ट हो, सो एक्साइटेड टू ट्राई दैट। My life, oh I need you by my side, yeah. We can go somewhere to be alone on our own if you want. I can show you just how much I need you in my life, oh I need you by my side, yeah. Hello, look what I got a Gucci. आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैंने क्या लिया है। दे वर्न्ट अलाउइंग अस टू फिल्म अलॉट इन द मेन बुटीक, सो हम बाहर आ गए हैं। बट द कलेक्शन दिस टाइम क्रिसमस के टाइम वॉज अमेजिंग। लाइक मेरे को पता नहीं था कि सारे जितने भी मैं बैग्स वगैरह सर्च करती हूँ उन सबकी कलेक्शन इतने सारे कलर्स में अवेलेबल थी। इवन द बैग दैट आई गॉट उसमें एक लाइट क्रीमिश बेज कलर अवेलेबल था, देयर वाज ब्लैक, देयर वाज आइवरी। सो आई वाज रियली हैप्पी टू सी कि बहुत अच्छी कलेक्शन थी। एंड क्रिसमस एंड हॉलीडे सीजन इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज इनकी पैकेजिंग वगैरह अलग होती है एंड दे ट्रीट यू रियली बेटर। सो बहुत मज़ा आया एंड दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज जो मैंने ईशान के साथ ऐसे एम्पोरियो जाके लिया। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? यू डिडंट फाइंड द पीपल स्नॉबिश? सच बोलो। Honestly speaking, if I'm going to buy anything, I don't care how people are treating me. यार तो उनको उनका जॉब बता रहा था, just do your job, इतना ही वैसा। Yeah, so he doesn't care and मैं पहले जब आती थी इधर तो मैं थोड़ा डरती थी। By the way, this is my Christmas gift to myself. बड़े टाइम से सोचा होता है, मैंने सोचा नहीं था मैं क्रिसमस पे लूँगी। This was kind of like कोई आगे इवेंट या कोई अच्छी अचीवमेंट चैनल की होती तब मैं ले लेती। अगले साल के फर्स्ट हाफ में मेरा लेने का मन था और मे बी कहीं मैं बाहर जाती बिकॉज बाहर ना इंडिया से ज़्यादा सस्ता मिलता है,
बट स्टिल मुझे इसका रेट ठीक लगा कंपेयर टू जितने महंगे गुची या 4-5 लाख के बैग होते हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा एक पार्टी इवेंट इवनिंग सॉर्ट ऑफ बैग है. एंड द पर्सन दिव्यांशु थे जो हमको अटेंड करे थे, वॉज रियली स्वीट. सो या उन्होंने सारे फटाफट से ऑप्शन निकाले कि क्या अवेलेबल है, दे हैव देयर ओन ऐप. बट मज़ा आया यार, ये घर जाके मैं अच्छे से इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी. या अनबॉक्सिंग, तेरे को भी पता है क्या होने वाला है, सबको मेरे पैटर्न समझ आ गए. वी आर एट चाणक्यपुरी राइट नाउ. यहाँ अंदर एक कैफ़े है कॉल्ड डिगेन इन चाणक्यपुरी, एंड मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से यहाँ से आना चाहती थी, बट हमेशा इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा वेटिंग लगी होती है कि मैं कभी नहीं आ पाती इधर. बट टुडे आई हैव डिसाइडेड टू वेट, क्योंकि अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है एंड थेरेपी सेशन वॉज रियली नाइस, बैग ले लिया, तो आज का दिन बहुत अच्छा है. एंड स्पेशल ऐसे क्रिसमस सॉर्ट ऑफ जा रहा है, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ईशान बिकॉज 1% एंट्री होती है पार्किंग में, सो पार्क करके आ रहा है. देयर कम्स माई गर्ल, माई गर्ल, माई गर्ल. फ़ोन पे रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होती है, सो यू हैव टू गो एंड तब उनके रजिस्टर में अपना नंबर वगैरह लिखवाना होता है. दे टोल्ड अस के 30-45 मिनट्स में नंबर आएगा, जबकि हम जब निकले थे देवर लाइक 10-15 मिनट्स की वेटिंग है, बट अब बढ़ गई है जैसे जैसे शाम हो रही है, सो वी आर जस्ट वेटिंग. आज तो मैं यहाँ का कुछ ना कुछ खा के ही जाऊँगी. मतलब इतना 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं. 2000 years later. Guys, finally, वो घड़ी आ गई है. जब हमको टेबल मिल गया. लेकिन क्या पिछले 2 साल से हम वेटिंग लिस्ट पे थे. That's the vibe. Very beautiful. Outdoor sitting भी है. Very twinkly twinkly and Christmas like, बहुत wholesome vibes है. Yeah. And unfortunately हम बाहर जा नहीं सकते क्योंकि टेबल ही नहीं थी. Yeah. So we only got this one. हमको एक छोटू सा टेबल दिया है, 2 चेयर ऐसे कोने खोपचे में घुसा दिए, but the vibe here is really nice. Let's look at the menu and मैं देखती हूँ यहाँ का खाना, मतलब worth the hype ये place है भी या नहीं. Alright, you guys, our food is here. ये हमारी mocktails हैं and साथ में ईशान has ordered fish and chips, जिसमें हमें chips की जगह fries मिल गए हैं ईशान. Fish and fries. नहीं वो यही होता है. Okay, I didn't know that. And ये हमारा chicken lasagna है. Really happy and grateful for this meal. मेरे अंदर का रितिक आ रहा है. Thank you, boys. Yeah. Grateful for this meal. It was lovely. Let's have See it. You guys. Mera lasagna churana was not funny. Look at that, you guys. जब तक हम निकले हैं इतनी सही lights and Christmas decor on हो गया है and it is so beautiful. बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. These are the Delhi Christmas vibes. कैफेज जो बिल्कुल क्रिसमस के रंग में रंगे हुए. फेरी लाइट्स मेक मी रियली हैप्पी. बट राइट नाउ व्हाट वुड मेक मी हैप्पी इज अगर मेरे को वॉशरूम मिल जाए, बिकॉज यहाँ एक लेडीज़ वॉशरूम है जो अंडर कंस्ट्रक्शन बोलने वाली थी, नहीं वहाँ पे सफाई हो रही है तो एंट्री नहीं अलाउड थी. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड अनदर वॉशरूम. सुसू आ रहा जोर की. लेटर दैट सेम इवनिंग. ऑल राइट यू गाइज, आई एम बैक होम. काफ़ी ठंड हो रही है तो मैंने आके अपनी टेरी जैकेट पहन ली. आज का दिन, ओ माई गॉड, इतने टाइम बाद, आई फील लाइक गोवा से आने के बाद, चोटे लगवाने के बाद, ब्रेक लेने के बाद, आई फील लाइक टुडे वॉज वन ऑफ दोज डेज विच वॉज द बेस्ट. लाइक एवरी थिंग वॉज ग्रेट, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई एंड आई वॉज जस्ट हैप्पी थ्रू आउट. दिस इज़ लाइक माई काइंड ऑफ डे. सेल्फ केयर का सेल्फ केयर भी हो गया. लाइक आई डिड माई स्किन केयर, आई वेंट टू थेरेपी एंड उसके बाद मैंने अपने आप को ट्रीट किया. सो लेट्स ओपन दिस एंड शो यू गाइज कि मैंने क्या लिया है. ऑल्सो यू गाइज, द फूड वॉज अमेजिंग. लाइक आई रियली लाइक्ड द फूड देयर. द ओनली थिंग इज दैट जिस लेवल की मिर्ची और मसाला मुझे पसंद है वैसा नहीं था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक वी ऑर्डर द लज़ाना, वो अच्छा था. वहाँ पर ड्रिंक्स नहीं मिलती हैं, मॉकटेल्स मिलती हैं, कॉकटेल्स भी नहीं मिलती हैं, सो यू कैन ऑर्डर. थोड़ी फैमिली टाइप की प्लेस थी, रीच अराउंड 1:32 एंड जल्दी नंबर आ जाएगा, बट हमारी तरह अगर आप 5-6 बजे पहुंचोगे वहां पे देन डेफिनेटली आपको 1 आवर तो लग ही जाएगा, 45 मिनट्स मिनिमम आपकी टर्न आने में.
एंड दे डोंट टेक रिजर्वेशंस ऑन फोन, तो वहां जाके ही आपको अपना नंबर लगवाना पड़ता है, अपना फोन नंबर देना पड़ता है, देन दे कॉल यू व्हेन अ टेबल इज अवेलेबल. सो दैट वाज वन थिंग दैट वाज प्रीटी अनोइंग. एंड बाय द टाइम वी लेफ्ट द सर्विस वाज वेरी स्लो, लाइक हमारा बिल लाने में उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था. दैट वाज अ मिनी रिव्यू ऑफ डिग इन कैफे. सो माय एक्सपीरियंस वाज अ सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10 इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. बट आई रियली लाइक द फूड एंड द वाइब, द इनसाइड वाइब वाज रियली नाइस. ये गुची का शगन का लिफाफा मेरे लिए आया हुआ है, इसके अंदर मेरा बिल है. एंड देन दिस इज द क्यूट लिटिल गुची पैकेजिंग इन दिस क्लासिक ग्रीन. इसके अंदर इफ यू गाइस कैन सी ना, पैटर्न थोड़ा सा बना हुआ है, लाइक ऐसे एनग्रेव हुआ पड़ा है, विच इज सुपर डुपर ब्यूटिफुल. ऑल राइट, सो द रिबन इज आउट, इसको मैं बाद में दोबारा डाल लूंगी. लेट्स ओपन एंड लेट्स शो यू गाइस व्हाट्स इनसाइड. बाय द वे मेरे नेल्स बिल्कुल ऐसे क्रिसमस थीम दे रहे हैं, क्रिसमस वाइब दे रहे हैं, एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड टू ओपन दिस. मुझे एक ना बहुत टाइम से छोटा सा क्लच बैग सॉर्ट ऑफ चाहिए था. सो लेट्स ओपन दिस बेबी अप. ये जो डस्ट बैग है ना, ये बहुत ही एक अलग से मटीरियल का है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है फैब इंडिया वाले कपड़े जिससे बनते हैं उससे बनाया हुआ है. एंड दिस इज द क्लच फ्रॉम इनसाइड, दिस इज अ क्लच बैग एंड इट्स कॉल्ड द गुची डायनेसिस बैग. सो ये है डायनेसिस बैग एंड इनकी बहुत अलग अलग शेप्स एंड साइजेस, बड़े साइज, स्मॉल साइज, मीडियम साइज आता है. आई गॉट द सुपर मिनी वन बिकॉज इसकी चेन आप अटैच करके इसको जस्ट एज वॉलेट भी यूज कर सकते हो. एंड आई रियली लाइक दीज टाइगर हेड्स राइट हियर, लाइक इफ यू गाइज कैन सी, जो लेदर वाला वर्जन था उसमें ये टाइगर हेड्स में ना अंदर एम्बेलिशमेंट होती है एंड बहुत अच्छे से स्पार्कल करता है. बट आई वॉन्टेड समथिंग जो मैं फैंसी एज वेल एज कैजुअल ओकेजन पे, लाइक वेकेशन वगैरह पे भी यूज कर पाऊँ. सो आई डेंट वॉन्ट टू गो टू फ्लैशी, इसलिए मेरे को एक सिंपल वाइब चाहिए थी. एंड दिस इज कैनवस ऑफ कोर्स, एंड ये ऊपर यहाँ पे सुवेड का मटेरियल है. सो दिस इज हाउ यू ओपन द बैग. एंड आई ऑल्सो डिडंट हैव एनी बैग, एनी लग्जरी बैग ऑफ कोर्स, जो मेटल ऐसे सिल्वर या ऐसे ब्लैक मेटल वाले हार्डवेयर में हो. मेरे पास ज्यादा हमेशा गोल्ड वाले होते हैं. सो देर आर सिक्स वेज जिसमें आप इस बैग को स्टाइल कर सकते हो अलग अलग लेंथ में, एंड इसको आप एक बेल्ट भी बना सकते हो, बम बैग सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल प्लस हल्का सा ग्रेइश वाली टोन में जा रहा है. बट आई फील लाइक मेरे स्टाइल के साथ ये बहुत मैच करेगा. ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा. आई वॉज जस्ट गोइंग फॉर दिस बेबी जस्ट टू चेक आउट कि उनके पास वो कलेक्शन है नहीं है, एंड ट्राई करके देखना मेरे ऊपर कैसा लगेगा. बट देन आई एंडेड अप बाइंग इट, एंड आई फील लाइक दैट इज अ रियली नाइस क्रिसमस गिफ्ट फ्रॉम मी टू माई सेल्फ. एंड या नाउ प्रीटी सून यू गाइज विल बी सींग मी एंड वॉचिंग मी स्टाइल दिस. एंड इसकी अनबॉक्सिंग भी आने वाली है अच्छे से एस्थेटिक वे में अपने वाइन नेल्स के साथ करूंगी. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आप लोगों को ये पूरा दिन मेरे और ईशान के साथ पसंद आया हो. आई होप ईशान और मैं आज के ब्लॉग के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी थे. आई हाईली डाउट दैट. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू आर सींग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाई आई एम अदिति श्रेष्ठा एके दैट करके मिस. एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आई अपलोड अ न्यू फुल फॉर्मेट वीडियो एवरी ट्यूजडे एवरी फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे. आई एम ऑल्सो प्लानिंग shorts from January, like I have a lot of ideas. And if you like me a little bit more, to aap mujhe Instagram pe bhi follow kar sakte ho @thatquirkymiss. And I will see you guys next time. Take care, bye bye, happy holidays.